हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिया टॉक्स। जैसा कि आपको पता है कि आप सभी का सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ चुका है और मुझे पता है कि आपके मन में अब कुछ डाउट चल रहे हैं। उनमें से मेन डाउट है कि सर, सैनिक स्कूल के हमारा कट ऑफ कितना रहने वाला है और सैनिक स्कूल का मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो इस वीडियो में तो देखिए, मैं आपसे मेनली बात करने वाला हूँ कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, कट ऑफ जो है पिछली बार से कितना हाई जा सकता है, कितना कम जा सकता है, इसके बारे में मेनली बात करने वाले हैं। आपको पता होगा कि मैंने जब रिजल्ट आया था तो लाइव स्ट्रीम किया था और काफ़ी बच्चों के हमने लाइव रिजल्ट को चेक किया था कि क्या बच्चों का स्कोर आ रहा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि काफ़ी बच्चों ने जो है 220 प्लस या 230 प्लस किया है और ऐसे ऐसे बच्चों के स्कोर भी देखे हैं 270, 260 प्लस, 250, इस टाइप का स्कोर रहा है। तो इस बार काफ़ी बच्चों ने काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्कोर किया है, जो इस बात का संकेत देता है कि पिछली बार से कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है। और इसके साथ ही हमने क्या किया था, हमारे जो चैनल पे एक पोल भी कराया था। आप पोल का रिजल्ट भी देखिए, पोल का रिजल्ट भी यही कह रहा है कि पिछली बार से कट ऑफ जो है इस बार ज़्यादा जाने वाला है, बच्चों ने 220 प्लस काफ़ी स्कोर किया है। तो ये मान के चलिए कि जो आपका पिछले साल का कट ऑफ है इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हेडलाइन में लिखा है कि पिछली बार से जो कट ऑफ 10 से 20 नंबर ज़्यादा रहने की चांसेस है। ओके, 10 से 20 या 10 से 15 नंबर ज़्यादा रहने की चांसेस है, ये न्यूज़पेपर में बताया गया है। तो इन्होंने भी एनालिसिस करके बताया और मैंने भी रिजल्ट को एनालिसिस किया है और मुझे भी ये लगता है कि आपके पिछले बार के कट ऑफ से इस बार ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। तो अब आपको देखिए पता करना कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो एक दो काम है आपको करना है, मैं बताऊँगा आप कैसे चेक करोगे कट ऑफ का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सैनिक स्कूल के रिजल्ट को देखना है जिससे आपने फॉर्म भरा था, उसके पिछले साल के रिजल्ट को देखोगे आप, ठीक है, और उस पिछले साल की कट ऑफ क्या रही वो आप मैच करोगे। और जितनी भी कट ऑफ रही है उसमें हर कैटेगरी में 10 से 15 नंबर आपको ऐड करना है, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि कोई स्कूल है नालंदा पिछले साल, ठीक है, बिहार नालंदा, अगर वहाँ पे अगर मान लीजिए कट ऑफ 240 रहा है जनरल का, तो इस बार कट ऑफ जो है आपको 10 नंबर ऐड करने या 15 नंबर ऐड करने या 250 प्लस कट ऑफ जनरल का रह सकता है नालंदा में, ओके। और ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारा चित्तौड़गढ़ का जो सैनिक स्कूल है वहाँ का पिछले साल का जो है जनरल का ओबीसी का कट ऑफ ले लेते हैं, इस बार 220 प्लस रहा है, तो इस बार जो है ओबीसी का कट ऑफ यहाँ से 230 या 235 प्लस जाने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, पिछले साल के कट ऑफ देखनी है, उसमें 10 से 15 नंबर का ऐड करना है और अपने नंबर से मैच करना कि आप उस लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रतिशत चांस हैं। ये अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ये आपने जो हमने एनालिसिस किया है और साथ में न्यूज़पेपर ने भी एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि इस बार का कट ऑफ पिछली बार से ज़्यादा रहेगा। और ज़्यादा क्यों रहेगा, इसके कुछ कारण है। देखिए बताता हूँ कि कारण क्या क्या है। सबसे पहली बात तो कि इस बार बच्चों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की। अच्छी तैयारी क्यों की, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस बार बच्चों का स्कूल का बर्डन कम था, काफ़ी स्टेट्स में स्कूल बंद थी जैसा कि आपको पता है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। और दूसरा रीज़न क्या है कि इस बार का पेपर पिछले साल के पेपर से सिंपल रहा था, आसान लेवल का रहा था, तो और ये भी एक कारण है आपकी कट ऑफ को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने का। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण कट ऑफ जो है हाई जा सकती है इस बार के लिए। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो हमने एनालिसिस किया कट ऑफ का उसके अकॉर्डिंग आपको बताया कि आपका जो है कट ऑफ कितना रहने की चांसेस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सैनिक स्कूल, RMS, जवाहर नवोदय विद्यालय, इन स्कूल से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है इस चैनल में आपको दिया जाता है और साथ साथ में आपको तैयारी भी कराई जाती है इन स्कूल के एग्जाम्स के लिए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली नई वीडियो की अपडेट मिल सके। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।